जिले के मंडी थाना क्षेत्र में एक तांत्रिक द्वारा बीमारी ठीक करने के नाम पर एक महिला से कथित तौर पर दुष्कर्म किए जाने का मामला प्रकाश में आया। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। विरोध करने पर तांत्रिक ने महिला को जान से मारने की धमकी दे दी। नीतीश कुमार ने बताया कि थाना मंडी क्षेत्र में एक महिला पिछले कुछ समय से बीमार चल रही थी। काफी इलाज कराने के बाद भी जब उसकी बीमारी ठीक नहीं हुई तो वह अपने इलाज के लिए तांत्रिक के पास गई। तांत्रिक ने महिला को बहला फुसला कर दुष्कर्म कर लिया। कुमार ने महिला द्वारा लगाए गए आरोपों के हवाले से बताया कि उक्त तांत्रिक ने बहाने से बीमार महिला से दुष्कर्म किया। महिला ने घर जाकर आपबीती कहानी पति को बताई और फिर पति के साथ थाने पहुंचकर उक्त तांत्रिक के विरुद्ध तहरीर दी। उन्होंने बताया कि तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपी तांत्रिक की तलाश की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के बिजनौर में जंगल में काम करने गई मूक बधिर युवती को अकेला पाकर पड़ोस के ही तीन दरिंदों ने रेप कर लिया। बदहवास हालत में घर पहुंची युवती ने इशारे से एक आरोपी को बताया। पुलिस ने पीड़ित परिजनों की तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ संगीन धाराओं में केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दो फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।